फ्रेंड्स, तो आज बनने वाला है मूंग दाल फ्राई। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 2 कप मूंग दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा। 2 घंटे के बाद हमारी दाल कुछ इस तरीके की हो चुकी है। अब हम दाल का जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल लेंगे और इसे अलग से एक टॉवल पर सुखा लेंगे। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं जो आप डेली किचन में यूज़ करते हो। अब हम इसे सुखाएंगे। आपको इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, आप चाहें तो इसे फ़ैन की मदद से भी सुखा सकते हैं। फ़ैन के पास से रख दीजिए, ये सूख जाएगी। देखिए हमने इसको अच्छे से सुखा लिया है, लगभग यह सूख चुकी है। हमारे हाथों पे ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इस ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे दाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे झाग आ रहे हैं, यानी कि हमारी दाल जो है वो पक रही है। जैसे ही हमारे झाग कम हो जाएंगे, समझ लीजिए आपकी दाल पककर तैयार हो चुकी है। और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम हल्का सा लो कर लेंगे ताकि हमारी जो दाल है वो ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो झाग है वो बिल्कुल कम हो चुके हैं और जो दाल है वो ऊपर फ्लोट कर रही है। और अब हम इसे बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना चाहेंगे, जैसे आपको पसंद हो, और इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर हमने सभी दाल को फ्राई कर लिया है और फिर हम टिश्यू पेपर की मदद से इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देंगे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अलग से कटोरी में निकालेंगे। यहाँ पर हमने कटोरी में निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। और गार्निश के लिए हम ऐड करेंगे इसके ऊपर हरा धनिया, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और फिर एक छोटा सा लेमन का पीस हम यहाँ पर रख देंगे। बिल्कुल मार्केट जैसी बन चुकी है, आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।